स्वागत है व्यूअर्स मेरे चैनल में और मेरे नए प्रोग्राम में आपके सवाल और मेरे जवाब। अनगिनत सवाल आपके मेरे पास पहुँचे हैं, मैं उन तमाम सवालों का धीरे धीरे जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी सवाल आपने पूछा, मैंने बहुत सारे जवाब भी दे दिए हैं। आप में से किसी ने पूछा है कि मुझे बुध और राहु से संबंधित क्या बिज़नेस करना चाहिए, आपकी नज़र में ऐसा क्या हो सकता है, इन ग्रहों से संबंधित बिज़नेस मार्गदर्शन करिए। बुध से संबंधित बिज़नेस व्यूअर्स या कोई कार्य जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी वो है कंसल्टेंसी, एजुकेशन, मीडिया, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री, कॉमेडियन, नाटककार, डांसर, लेखक, एडवर्टाइजिंग, ज्योतिषी, मैजिशियन, पब्लिशर, फूड एवं वेजिटेबल्स बिजनेसमैन, वनस्पति, स्टॉक मार्केट, वास्तुशास्त्री, कॉल सेंटर चलाने वाले, मैनेजमेंट स्किल डेवलपर, मीडिएटर, लाइजनिंग का कार्य करने वाला, सभी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर का व्यापार करने वाला, अधिवक्ता, साहित्य लेखन, अध्यापन, प्रोफेसर, ऑडिटर, कमीशन एजेंट, दलाली, बैंकिंग कार्य, बीमा एजेंट, अकाउंट्स संबंधी कार्य, मुद्रक, प्रिंटिंग, प्रकाशन, टाइपिस्ट, कंप्यूटर वर्क, रिपोर्टर से संबंधित कार्य करने पर नौकरी करना विशेष लाभदायी रहेगा। वहीं बिजनेस के दृष्टिकोण से कपड़े का व्यापार, हैंडलूम, कपड़ा मिल, धागा एवं धागे से संबंधित वस्तुएं, हौजरी, सुन रहे हैं ना व्यूअर्स, आपने पूछा है, हौजरी, अंतरंग वस्त्र निर्माण, मनी ट्रांसफ़र, आयात निर्यात आदि से संबंधित व्यवसाय करना बहुत हितकारी आपके लिए रहेगा। प्रबंधीय कार्य जैसे CA, CS, अधिवक्ता, न्यायाधीश, न्याय सेवा से जुड़ना, बैंकिंग सेवा, वित्तीय विभाग, वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्माण कार्य, योजनाएं, योजना आयोग, सेक्रेटरी, मंत्री के सहायक, प्रोफेसर, प्राचार्य, अध्यापन से संबंधित क्षेत्र में नौकरी करना लाभदायक रहेगा। वही व्यवसाय की दृष्टि से कोचिंग क्लासेस चलाना, नक्शा नवीस, तंबाकू, गुटखा निर्माण आदि संबंधित कार्य भी आपके लिए विशेष बुध की कृपा लेकर आएगा। ये था व्यूअर्स बुध से संबंधित कार्य। जहाँ तक आपने राहु के बारे में पूछा है, राहु अपना कोई फल नहीं देता, वो जिस भाव में विराजमान होता है उसी भाव का फल देता है, ये छाया ग्रह है। तो आप मुझे अगली बार जब कमेंट बॉक्स में भेजें तो बताइएगा आपके कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है, तो उस हिसाब से आपको मैं प्रोफेशन बताऊंगा। व्यूअर्स आप में से कईयों ने पूछा कि हमारे विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, कृपा करके आप हमें शिव गौरीश्वर साधना के बारे में बताइए। व्यूअर्स ये साधना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप संकल्प कर लें तो इसको पूर्ण कर सकते हैं, और इसको पूर्ण करने के बाद विवाह का कोई बाधा रह नहीं जाता, विवाह होना ही है। आपने कहा, मैं इसकी विवेचना कर देता हूँ। इस साधना को करने के लिए व्यूअर्स साधना सामग्री की ज़रूरत होती है, प्राण प्रतिष्ठयुक्त अभिमंत्रित भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध, लग्न मंडप सुपारी साथ, हल्दी की गांठ साथ, शिव गौरीश्वर माला। अब रही बात साधना का विधान क्या होता है, ये प्रयोग व्यूअर्स आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन सायंकाल के पश्चात संपन्न करना है।
इसे संपन्न करने हेतु विवाह योग्य वर अथवा कन्या स्नान आदि करके पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने तथा शुद्ध आसन ग्रहण करके अपने सामने एक बाजोट स्थापित करें। उस बाजोट पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं तथा उसे चारों ओर से मौली से बांध दें। तत्पश्चात व्यूअर्स इस बाजोट पर भोजपत्र स्थापित करें तथा अनार की कलम व अष्टगंध की स्याही से शिव गौरीश्वर यंत्र का निर्माण करें। यंत्र निर्माण के पश्चात उस यंत्र पर 7 लग्न मंडप सुपारी तथा अभिमंत्रित हल्दी की गांठें, जनेऊ, गुड़, केले, पीले फूल तथा सिक्के तथा चने की दाल आदि सभी को पीले वस्त्र पर रख दें। तत्पश्चात इन पर धूप दीप करें। उन पर केसर कुमकुम से तिलक करें। अक्षत पुष्प विलप पत्र नैवेद्य चढ़ाएं। फिर मंत्र की 11 माला जाप करें। अब आप पूछेंगे कौन सा यंत्र और कौन सा मंत्र। यंत्र है शिव गौरीश्वर यंत्र जो आपको बाजार में मिल सकता है। मंत्र है जो जल्दी विवाह करवाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा, लाभ प्राप्त होगा। मम वांछित वरम देही देही मे शुभ फलम रीम ओम शिव गौरीश वराय नमः। फिर से बता दूँ, मम वांछित वरम देही देही मे शुभ फलम रीम ओम शिव गौरीश वराय नमः। मंत्र जाप पश्चात हाथ जोड़कर भोलेनाथ शिव व माँ गौरी पार्वती का ध्यान करें और अपने विवाह के लिए शीघ्र शीघ्र निवेदन करें और प्रार्थना करें कि हमने आपका ये प्रयोग संपन्न किया है, इसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। ऐसा करने के पश्चात व्यूअर्स यंत्र व सभी सामग्री उस पीले वस्त्र को बांधकर एक पोटली का रूप देकर घर में किसी शुद्ध स्थान तथा मंदिर में रखें। रख किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श न हो तथा होली की रात्रि को होलिका दहन में इस पोटली को दहन कर दें तथा प्रार्थना करें कि मेरी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो। यह बहुत चमत्कारिक है, इसका प्रयोग करिएगा, विशेष विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यूं भी आप जो मंत्र मैंने बताया है उसका रोज 11 माला अगर जाप करेंगे भी तो भी आपके जीवन में विवाह के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मंत्र फिर से बता दूं, मम वांछित वरम देही देही मे शुभ फलम रीम ओम शिव गौरीश्वराय नमः। मम वांछित वरम देही देही मे शुभ फलम रीम ओम शिव गौरीश्वराय नमः। व्यूअर्स, अगला सवाल आप में से किसी ने पूछा है कि मेरा मेष राशि है, मुझे क्या उपाय करने चाहिए ताकि मेरा जीवन 2020 में बेहतरीन बने, सफलता मिले, यश मिले और लाइफ में एक अच्छा टाइम देखने को मिले। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल 2020 में रोचक योग का निर्माण करेगा। आपसे मैं कह सकता हूँ, आप मूंगे की माला या एक मूंगा जरूर पहने, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें, प्रतिदिन केले के पौधे पर जल अर्पित करें, गुरुवार के दिन रोटी पर चने की दाल गुड़ हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लौंग एवं गुड़ पान के पत्ते के ऊपर रखकर भोग लगाएं एवं चमेली के तेल का दीपक करें, मंगलवार के दिन भीगी मसूर की दाल पक्षी को डालें। इससे आपको एक बहुत विशाल परिवर्तन देखने का मौका मिलेगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के कलश से जल अर्पित करें। आप नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। आप बुधवार के दिन गणेश जी को मूंग एवं गुड़ का भोग अवश्य अवश्य लगाएं। सुन रहे हैं ना आप शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल एवं काले तिल अर्पित करें। इससे भी आपको विशेष भाग्य परिवर्तन में सहायता मिलेगा। हरे रंग की वस्तुएं
पर्दों आदि का प्रयोग ना करें। अपने वजन के बराबर बाजरा अथवा ज्वार, कोई भी एक तरह का धान लेकर मंदिर अथवा कबूतर भंडार में दान कर सकते हैं। मूंग साबुत के साथ दाने, हरा पत्थर कांसे का गोल टुकड़ा हरे वस्त्र में लपेटकर बुधवार को बहते पानी में प्रवाहित करना बहुत शुभ, बहुत मांगलिक आप मेष राशि वालों के लिए होगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार शनिवार के दिन काले कुत्ते को दूध इमरती अवश्य खिलाएं। मंगलवार का व्रत रखकर 27 मंगल किसी अपाहिज को मीठा विशेषकर गुड़ से निर्मित भोजन खिलवाएं। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि प्रतिमा पर तेलाभिषेक अवश्य करें अर्थात श्रद्धानुसार काली वस्तु का दान करें। जैसे सुन रहे हैं व्यूअर्स, काले तिल, काली उड़द, सभी प्रकार के खाद्य तेल, लोहा धातु से बनी वस्तुएं, छाता, काले रंग के कंबल, जूते आदि। ये व्यूअर्स आप मेष राशि वालों के लिए मैंने इतने उपाय बताए। आखिरी उपाय बता दूं, शनि के मंत्र जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप श्रद्धानुसार करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि प्रतिमा पर तेल अवश्य चढ़ाएं। हर गुरुवार विष्णु भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। तिल, कंबल, कस्तूरी, शास्त्र, काला वस्त्र, सभी प्रकार के तिल, उड़द, काली मिर्च, लोहा धातु का दान करना ना भूलें यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को गाय को गुड़ रोटी दें। आप सुंदरकांड का पाठ अर्थात हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक एवं हनुमान अष्टक का पाठ करें। आपके लिए गेहूं, उड़द, नीले वस्त्र, कंबल, काले तिल, तेल, लोहा धातु, तलवार, काले घोड़े का दान करना बहुत ज़्यादा हितकारी रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, आपके लिए, आप मेष राशि वालों के लिए मैंने इतने उपाय बता दिए। एक और आखिरी उपाय बता दूं, रात को सिरहाने मूली रखें और उसे सुबह किसी मंदिर में दान करें, फिर देखिए परिवर्तन कैसे आता है। काले कपड़े में उड़द, साबुन व स्टील का बर्तन दान करना। आर्थिक संकट निवारण हेतु आप मेष राशि वाले प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें तथा उसके समक्ष श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा काम कम से कम 11 गुरुवार करें, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। व्यूअर्स, आप में से एक और व्यूअर्स ने भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा है कि मैं वृश्चिक राशि वाला हूँ, आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जो आपके नज़र में बहुत प्रभावशाली है और मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हाँ व्यूअर्स, मैं आपके लिए काफ़ी उपाय बता रहा हूँ, आप अगर श्रद्धा के साथ इस पर अमल करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद से आपके जीवन में, आने वाले कल में विशाल परिवर्तन आने वाला है। शुक्रवार के दिन चांदी के डिब्बे में सिंदूर लगाकर अभिमंत्रित हत्था जोड़ी, 11 लौंग व 11 इलायची अपने घर के मंदिर में रख दें तथा नित्य धूप अगरबत्ती करें, शीघ्र ही लाभ होगी। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को स्फटिका या श्री यंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं। चावल, शक्कर, काले तिल, मूंग की दाल, गेहूं, बाजरा व कुछ दालें, इन सभी का मिश्रण बनाकर रोज पक्षियों को डालें, फिर देखिए समय कैसा तेज होता है आपका। याद करेंगे आप कि मैंने ऐसा उपाय बताया आपको। आप सोमवार का व्रत कर एक समय सादा भोजन, फल, दूध आदि लेते हैं तो अति उत्तम है। ऐसा करने से आपको अत्यधिक मानसिक शांति प्राप्त होगी। घर में कला का वातावरण रहता है तो गेहूं सोमवार को पिसवाएं। गेहूं पिसवाने से पूर्व इनमें एक मुट्ठी काले चने मिला दें। सुन रहे हैं ना, आप में से बहुत से लोगों ने बोला है कि आपके घर में बहुत अशांति रहती है, सब कुछ है, तो ये उपाय मैं फिर से बता दूं। घर में कला का वातावरण रहता है तो गेहूं सोमवार को पिसवाएं। गेहूं पिसवाने से पूर्व इनमें एक मुट्ठी काले चने मिला दें। प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय के समय पीपल को मीठा जल, दूध, शहद, शक्कर, गुड़, गंगा जल व काले तिल अर्पित करने से बहुत लाभ फाइनेंशियली, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में और नौकरी में प्रमोशन में, बिजनेस में उन्नति में देखने को मिलेगा। आप वृश्चिक राशि वालों, आप शुक्रवार के दिन गाय को सफ़ेद चावल बनाकर खिलाएं।
प्रत्येक सोमवार शंकर भगवान के मंदिर में कच्चे दूध में जल मिलाकर अभिषेक करें। 9 सूखे चोटी वाले नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उन पर मौली बिना गांठ दिए बांधकर अपने हाथ से अमावस्या के दिन बहते जल में प्रवाहित करें। विशेष विशेष कृपा और लाभ प्राप्त होगी। आप रविवार के दिन सांड को गुड़ खिलाएं, ऐसा 7 रविवार लगातार करें तो लाभकारी होगा। मंगलवार के दिन ब्राह्मण को घर में भोजन करवाकर श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी करें। प्रत्येक सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में लघु रुद्र अथवा महारुद्र अभिषेक स्वयं करें अथवा ब्राह्मणों के सानिध्य में ये कार्य स्वयं उपस्थित होकर संपन्न करवाएं। विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आपका जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। शनिवार के दिन मछलियों को काले चने खिलवाएं। प्रत्येक शनिवार को पूरे घर की साफ सफाई करने के पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रत्येक सोमवार को वट वृक्ष की विधिवत पूजा करके 108 परिक्रमा देने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन बाजरी के आटे के 4 पेड़े बनाकर उस पर थोड़ा गुड़ व भीगी चने की दाल डालकर गाय को खिलाने से भाग्य में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। ये करके देखिएगा, बहुत अच्छा जाएगा समय। दक्षिणावर्ती शंख को अपने व्यावसायिक स्थल पर सदैव के लिए स्थापित करें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुछ बूंद गंगा जल व एक केसर की पत्ती डालकर राम रक्षा स्तोत्र का 11 पाठ करें। जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को अवश्य दें। गृहस्थ जीवन में सुख शांति हेतु सप्ताह में एक बार घर में नमक मिले पानी से ही पोंछा लगाएं। बुधवार के दिन गणेश जी को ध्रुवा हरे मूंग सुपारी 5 रुपये का नोट पालक चढ़ाने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। ठीक है व्यूअर्स, कुछ और उपाय लीजिए। नियमित रूप से काले कुत्ते को मीठी रोटी दें। पूर्णिमा के दिन किसी सुहागिन स्त्री को 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। प्रत्येक शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी का विशेष पूजा करें। अपने धन में निरंतर वृद्धि हेतु अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान अवश्य करें। जो देंगे वो आपके जीवन में वापस आएगा, नहीं तो आपके ही कर्म के अकाउंट में पड़ा रहेगा, आपके लिए ही जमा रहेगा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद व्यूअर्स, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला रहा हूँ, ये चैनल आपके लिए ही है। अनगिनत सवालों के जवाब मैं दूंगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं धीरे धीरे बैकलॉग सब क्लियर करूँगा लोगों के जो इन्होंने लिखा है। आगे आने वाले एपिसोड्स, ये तीसरा एपिसोड है, बहुत और भी एपिसोड्स आएंगे, सबको देखते रहिएगा। इससे आपका कई चीज़ों के बारे में आपको लाभ पहुँचेगा। धन्यवाद।